क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है 13.2 का, देखिए क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। रोलर देखे हो ना, गोल सा होता है, बड़ा सा है ना, तो एक रोलर है बस हाथ से चलाने वाला, ये मत समझना कि वो गाड़ी में चलना हुआ है ना, नहीं तो फिर तीन चक्का समझने लगोगे और तीन रोलर समझने लगोगे है ना। तो वो मान लो रोलर कुछ इस तरह का है, बड़ा सा है ना, बड़ा सा है, ये गोल है याद रखना, ये ऐसे ऐसे कर सकते है ना, और इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा आपका 84 का आधा हो जाएगा 4 और 2 42, बिल्कुल 2 चौक 8 2 2 4 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ दिया हुआ है टोटल हमको कितना, तो इसका लेंथ दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट की बात करें तो 120 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जब ये घूम रहा है तो मान लो हम यहाँ पे एक रेड निशान लगा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, रेड निशान, क्योंकि ये गोल है ना, ये गोल है तो हम यहाँ पे एक रेड निशान लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके। अब ये 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है एक फील्ड का, मूव वंस ओवर टू अ लेवल अ प्ले ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। अब सोचो प्ले ग्राउंड का लेंथ ब्रेथ नहीं दिया, रोलर का दिया, हाइट और डायमीटर, और बोला कि रोलर जो है 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहा है उस जो प्ले ग्राउंड है उस पर, वो 500 बार अगर घुमाया जा रहा है तो वो पूरा कंप्लीट कर दे रहा है प्ले ग्राउंड को, एकदम ए टू जेड कर दे रहा है। तो बताइए कि उस प्ले ग्राउंड का एरिया कितना था, फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। अब सोचो कि जितना रोलर ने 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाया उतना से वो कवर होकर हो रहा है, तो ज़रा सोचो कि अगर तुम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करोगे तो कितना एरिया कवर होगा, कितना एरिया कवर होगा। इस ये जो रोलर है तुम्हारा सिलेंड्रिकल, वो सिलेंड्रिकल रोलर एक पूरा अगर चक्कर लगा देता है तो पूरा अपना सरफेस का सतह का जगह लेता है कि नहीं, पूरा अपना सरफेस के सतह पर का जगह लेता है। तो अगर यहाँ रेड रंग लगा दिए तो फिर एक पूरा कवर कर लेगा, जैसे मान लो ये कवर करके और कवर किया, ये प्ले ग्राउंड था और यहाँ से कवर होते 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 जब यहाँ आया, यहाँ पर आया कुछ इस तरह से हमारा रोलर, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया था, मतलब फिर यहाँ पे हमारा रेड रंग आ गया था, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व सरफेस एरिया है रोलर का, वो एक अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहा है तो कुछ ना कुछ एरिया ट्रेवल करके वो प्लेग्राउंड का दे रहा है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल या एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू है ना 500 रिवॉल्यूशन, या फिर ऐसे लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय, ऐसे लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय फाइव हंड्रेड रिवॉल्यूशन by roller is equal to 500 into 1 revolution, 500 into area of या curve surface area of roller, है कि नहीं। curve surface area से ही ना वो travel करेगा, तो curve surface area अगर एक roller का निकाल दे 1 curve surface area of roller और 500 से गुना कर दे तो 500 कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, और उतना के बाद तो वो
प्लेग्राउंड पूरा कवर हो ही जा रहा है, तो बस हो गया, कहानी बन गया। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन यही था समझना, इसमें पहले बना देते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, इसमें भी रेडियस नहीं दिया हुआ है तो वही यूज करेंगे। तो 500 गुना 2 गुने 22 बटे 7 और रेडियस हमारा है 42 और इसका लेंथ है 120, तो ये 7 से कट जाएगा, 7×6 = 42 और 2 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये 1000 हो जाएगा, तो 1000 को रहने देंगे और 12×72 और 72 में 10 बढ़ाएंगे, 12×72 × 0 फिर ये हुआ आपका 1000, तो 1000 का मतलब 30 और बढ़ा दो और गुना 22, देखो 12×72 720 और 5×2 = 10, 1000 30 बढ़ा दिए और 22 का गुना करना है, तो 22 का गुना कर लो, दो अंक का तो गुना बताए हुए ही, 4×0 बढ़ाए रहो और 2×2 = 4 और 7×2 = 14 और 2×2 = 4, 14×4 = 18, हाथ में लगा 1 × 7×2 = 14 और 1 = 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेग्राउंड का एरिया होगा, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेग्राउंड का एरिया होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि रोलर एक बार जब घूमता है ना तो अपना कर्व सरफेस एरिया को कवर करता है, तो 500 बार घूम रहा है तो 500 गुना कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर होगा, और उतना ही प्लेग्राउंड जब कवर कर रहा है तो प्लेग्राउंड का टोटल सरफेस ख़त्म हो जा रहा है, इसलिए उसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। अगर आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, तो मीटर गुना मीटर लिखोगे मतलब कि तुमको 2 बार 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो 15 × 8×4 × 00 × 00 है, तो इसको सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर लिखोगे। 1 सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलते हो तो क्या लिखते हो, 1/100 × 1/100 मीटर, तो ये 2 0 2 0 से ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 15×8×4 m² है ना। चलिए तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो, ये भी आप आंसर लिख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है पढ़िए। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 cm इन डायमीटर एंड 3.5 इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ RS 12.50 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, पिलर देखे हो जिसपे कोई कोई मकान खड़ा रहता है, तो बहुत सारा पिलर जो होता है वो क्या बोलते हैं, क्यूबेडिकल होता है, और बहुत सारा पिलर जो है सर्कुलर होता है, सिलेंड्रिकल बोल सकते हो, सर्कल तो एक क्या बोलते हैं प्लेन में लाई करता है। तो एक पिलर है तुम्हारे पास, सिलेंड्रिकल है, इसका इनर डायमीटर शायद दिया हुआ है, शायद रेडियस की डायमीटर, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 cm इन डायमीटर, बार बार डायमीटर ही दे रहा है तो रेडियस हो जाएगा 25 cm, आधा होता है ना, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3.5 m और ये सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में ही बदल देते हैं। तो h बराबर 100 से गुना कर दो तो 3.50 cm, क्योंकि 1 दशमलव को ख़त्म करेगा 0 और 10 बढ़ा देगा, क्योंकि 100 से गुना करने के बाद ना मीटर से सेंटीमीटर में जाते हो, तो ये हो गया 350 cm। कह रहा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ RS, पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर इज इक्वल टू 2πRh, तो 2×22/7 × रेडियस का वैल्यू 25 और हाइट का वैल्यू 350, ये 7×5 = 35, 50 बार में है ना, 25×50 और गुना, फिर ये 50 और ये 22 बचा हुआ है,
तो 50 25 डबल शून्य गुना 22, ठीक है ना। तो 22 5 एक दो शून्य बढ़ा लो, 22 5 110, 8 11, 22 2 44 और 11 कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना। और सेंटीमीटर, सॉरी हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना दिया हुआ है, तो इसको भी हमको मीटर में बदलना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो गुना 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 शून्य और 1 शून्य तो सीधे कट रहा है, बचेगा कितना तुम्हारा, कर्व सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट है ना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.5 गुना 12.50 है ना, इतना होगा। अब जीरो को भूल जाओ ना, क्या दिक्कत है, दशमलव के बाद तो हम भूल ही सकते हैं, इतना RS रुपया लगेगा। अब 125 में अगर तुमको 55 से गुना करना है तो जीरो बढ़ा के 3 अंकों का कर लो एक साथ। तो क्या ऐसे बताए थे 3 अंकों का, 50 25 को 5, दो हाथ में लगा, 5 2 10 और 50 25 35, 35 और 2 37 हाथ में लगा, 3 5 1 5 ये जीरो में मिल गया, और 5 2 10 10 5 15 और 3 18 हाथ में लगा, 1 5 1 5 और 1 6 ये कहानी ख़त्म। तो इतना रुपया उसको लगेगा टोटल, यानी कि 6875 RS, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी पॉइंट देना भूल गए थे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, दो पॉइंट के बाद पॉइंट भी तो पड़ेगा, गुना कर रहे हैं ना, तो 68.75 रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया तो वो है 4.4 मीटर स्क्वायर। फिर बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 0.7 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर, हाइट बराबर साथ क्वेश्चन मार्क। आसान क्वेश्चन है ना, कर्व सरफेस एरिया अगर हमको दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया हम जानते हैं 2πRH 4.4 है ना, रेडियस इसमें भी नहीं दिया हुआ है, सॉरी पाई का वैल्यू, तो 2 × 22/7 गुने रेडियस का वैल्यू हम क्या लेंगे 0.7 और एच हमको ना मालूम, ये 4.4, 7 से कटेगा 0.1 बार में, है ना, 22 × 44 4.4 होगा इंटू एच बराबर 4.4 इधर भी, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो एच बराबर 1, तो 1 मीटर इसका हाइट होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसमें इतना ही।